हेलो फ्रेंड, वेब डिजाइनिंग के कोर्स की प्लेलिस्ट में आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं नेम सर्वर के बारे में, और डिस्कस करेंगे कि कंट्रोल पैनल, और उसके बाद डिस्कस करेंगे कि क्रिएट एन ईमेल इन कंट्रोल पैनल, जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स है। सो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने इस कोर्स की प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि एक नेम सर्वर क्या होता है, नेम सर्वर क्या होता है, नेम सर्वर इज ए सर्वर इन द डीएनएस। डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। डोमेन नेम सिस्टम होता है जिसमें क्या, जो क्या करता है कि किसी भी डोमेन नेम को क्या करता है कि आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करने का काम करता है। इस चीज को हम समझते हैं एग्जाम्पल से, जैसे हमारा ब्राउजर है, ठीक है। ब्राउजर यानी यूजर, यूजर क्या करता है अपने ब्राउजर पे, मान लो हम किसी भी, जैसे जब किसी वेबसाइट को हम ओपन करने की कोशिश करते हैं, मान लो हमने www.google.com को लिया, ठीक है। जब हम google.com को जैसे सर्च करके एंटर की मारते हैं, ठीक है, जब एंटर की मारते हैं तो क्या करता है, सबसे पहले डीएनएस सर्वर को रिक्वेस्ट जाती है। डीएनएस सर्वर क्या होता है, डोमेन नेम सर्वर होता है। अब डोमेन नेम सर्वर के अंदर क्या होता है, नेम सर्वर होता है, ठीक है। नेम सर्वर होता है जो क्या करता है कि ये डोमेन नेम जो था www.google.com, यहाँ पे example.com हमने लिया है, अब यहाँ पे मान लो google.com, अब वो google.com क्या करता है कि google.com को उसके आईपी एड्रेस के फॉर्म में चेंज कर देता है। आईपी एड्रेस क्या होता है, किसी वेबसाइट का एक्यूरेट यानी यूनिक आईपी एड्रेस, यानी एड्रेस होता है किसी भी वेबसाइट का। अब वो क्या करता है कि वो रिस्पॉन्स करता है एज, अब उसको कन्वर्ट करके रिस्पॉन्स करता है किस पे, आईपी एड्रेस के फॉर्म में। अब वो आईपी एड्रेस हमारे ब्राउजर पे रिटर्न आती है, और उसके बाद ब्राउजर से रिटर्न कहां जाती है, वेब सर्वर के पास, जिस अब जैसे 124.www.google.com, अब इसके सर्वर में, अब इसके सर्वर में अगर मान लो google.com था तो गूगल के सर्वर में हम जाते हैं। अब इस जहां से हमें उसका आईपी एड्रेस मिला, और उसके बाद हम उसके सर्वर में जाते हैं, उसके बाद जिस भी कंटेंट को हम सर्च कर रहे हैं वो डेटा हमें क्या होता है, रिस्पांस के तौर पे मिल जाता है। तो यही नेम सर्वर होता है। नेम सर्वर क्या होता है कि जो क्या करता है, किसी भी डोमेन नेम को ट्रांसलेट करता है आईपी एड्रेस में, किसके अंदर, डीएनएस सर्वर के अंदर, डोमेन नेम सिस्टम के अंदर। अब आगे बात करें कंट्रोल पैनल क्या होता है, ठीक है। तो कंट्रोल पैनल आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में, सबके कंप्यूटर में है। तो कंट्रोल पैनल जैसे आप सर्च बार में, जो भी माइक्रोसॉफ्ट का सर्च बार होता है विंडोज का, उसमें आप सर्च करेंगे कंट्रोल बार, तो कंट्रोल पैनल आ जाता है। तो कंट्रोल पैनल इज माइक्रोसॉफ्ट इनेबल ए यूजर चेंज वायरलेस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फीचर्स। देखो कंट्रोल पैनल के अंदर हम क्या करते हैं, कंप्यूटर की ओवरऑल सेटिंग्स, यानी कह सकते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स, माउस, डिस्प्ले, ठीक है, या फिर साउंड हो गया, उसके बाद नेटवर्क हो गया, यानी कीबोर्ड रिप्रेजेंट, फॉर फ्यू एग्जांपल, ठीक है। सारी चीजों को मॉडिफाई करने की हम क्या करते हैं, सारी चीजें कहां होती है, कंट्रोल पैनल के अंदर होती है। जैसे अगर बात करें सिलेक्शन ऑफ द विंडोज कंट्रोल पैनल की तरह से सिलेक्शन करते हैं, तो यहाँ पे कुछ चीजें दे रखी है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें कि यहाँ पे क्या हमारा सिस्टम एंड सिक्योरिटी हो गया, सिस्टम एंड सिक्योरिटी में हमें क्या करते हैं कि सेलेक्ट करते हैं, चेक करते हैं कंप्यूटर का स्टेटस, बैकअप, रिस्टोर एंड अदर बहुत सारी चीजें सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेटवर्क एंड इंटरनेट आता है, जहां पे हम नेटवर्क के स्टेटस को देख सकते हैं। हार्डवेयर एंड साउंड आता है, जहां पे हम क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर के जो भी एड डिवाइसेस है, मतलब एक्सटर्नल साउंड डिवाइस, इंटरनल साउंड डिवाइस, इन सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा प्रोग्राम आता है, प्रोग्राम के अंदर मतलब जितने भी हमारे कंप्यूटर के अंदर अनइंस्टॉल प्रोग्राम है, इंस्टॉल प्रोग्राम है, उन सारी चीजों को हम मैनेज करते हैं। उसके बाद हमारा क्या होता है, यूजर अकाउंट। यूजर अकाउंट का मतलब होता है कि जो भी यूजर, मतलब आपका कंप्यूटर रहता है, आपका यूजर, आपका अकाउंट बना होगा, चेंज यूजर एक्सेसिबिलिटी, मतलब कौन सा यूजर इसकी एक्सेस कर सकता है सिस्टम का। अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन होता है, उसके बाद चेंज डेस्कटॉप ऑप्शन, लाइक फॉन्ट, स्क्रीन, रेडार, ये सारी चीजों को हम चेंज कर सकते हैं किसके, इसके अंदर। उसके बाद क्लॉक एंड रीजन को सेलेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं डेट और टाइम को। उसके बाद एक्सेस करने ऑप्टिमाइजिंग योर डिस्प्ले सेटिंग, हम अपने डिस्प्ले सेटिंग को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अब बात आती है कि किसी भी कंट्रोल पैनल के अंदर एक ईमेल को किस तरह से क्रिएट करते हैं, तो कुछ पांच स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करके हम क्या करते हैं कि एक ईमेल को सी पैनल के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है, नेविगेट टू
सी पैनल, नेविगेट जो सी पैनल होता है उसमें ईमेल अकाउंट इंटरफेस होता है, ठीक है। ईमेल अकाउंट इंटरफेस एक होता है जिसे नेविगेट करेगा ईमेल पैनल, उसके ऊपर क्या होता है कि ईमेल अकाउंट इंटरफेस होता है जिसमें सी पैनल में हम जाएंगे, उसके बाद होम में जाएंगे, उसके होम में ईमेल दिखेगा, ईमेल में हम ईमेल अकाउंट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट क्लिक क्रिएट पे क्लिक करेंगे, वहां पे क्रिएट क्लिक एक बटन होगी जिस पे हम क्रिएट करेंगे, उसके बाद ए न्यू इंटरफेस विल अपीयर, एक नया इंटरफेस आएगा जिसमें हम अपनी नए ईमेल आईडी और यूजर नेम टेक्स्ट करेंगे, ठीक है। जो भी टेक्स्ट बॉक्स हुआ उसके अंदर एंटर करेंगे, उसके बाद क्या होता है कि इन द पासवर्ड सेक्शन, पासवर्ड सेक्शन में हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे एक सिक्योर पासवर्ड और जो भी टेक्स्ट बॉक्स होगा पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स में, उसके बाद हम करेंगे क्लिक क्रिएट टू बी टू क्रिएट एन अकाउंट, उसके बाद में अकाउंट क्रिएट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा सी कंट्रोल यानी कंट्रोल पैनल के अंदर हमारा एक ईमेल जनरेट हो जाएगा या क्रिएट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको पसंद आई हो वीडियो, समझ में आया होगा कि सर्वर नेम क्या होता है, कंट्रोल पैनल क्या होता है और सी कंट्रोल पैनल के अंदर किस तरह से ईमेल आईडी हम जनरेट करते हैं, तो वीडियो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।